Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 1 number systems exercise 1.4 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge representing real numbers on the number line. Real numbers ko kis tarike se hum log number line mein represent karte hain wo aaj hum log padhne wale hain. Dekhiye representing real numbers on a number line. हमको हमेशा याद रखना है ऑलवेज रिमेम्बर बिटवीन एनी टू डेसिमल नंबर देयर विल ऑलवेज बी ए गैप ऑफ 10। किसी भी दो डेसिमल नंबर के बीच में 10 का गैप होना चाहिए। ये पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि ये है मेरा नंबर 2 और ये है मेरा नंबर 3। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 और ये हो सकता है मेरा 3.0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया मेरा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये हो गया है मेरा 2.10। तो 2.10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2.10 को हम लोग लिखते हैं 3। ठीक है, इसलिए इसके बीच में यानी कि 2.0 और 3.0 के बीच में कितना नंबर आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10 हमेशा आएगा मेरा दो डेसिमल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 और 3 को समझाया है, जो मैंने यहाँ पे समझाया था आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है मेरा 2.2 जो कि मेरा ये वाला पॉइंट है 2.2 और ये है मेरा 2.3। तो 2.2 और 2.3 के बीच में भी मेरे पास 10 गैप होगा। ठीक है, गैप ऑफ 10 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, पहला हो गया ये मेरा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांच नंबर ये, छह नंबर ये, सात नंबर ये, आठ नंबर ये, नौ नंबर ये और दस नंबर ये वाला 2.3। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 2.2 तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2.21, फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 2.22, फिर नेक्स्ट हो गया मेरा 2.23, फिर नेक्स्ट हो गया ये वाला 2.24, फिर ये वाला हो गया 2.25, फिर ये वाला हो गया 2.26, फिर नेक्स्ट हो गया 2.27, फिर नेक्स्ट हो गया 2.28, फिर नेक्स्ट हो गया 2.29, उसके बाद फिर नेक्स्ट हो गया 2.30 यानी कि ये वाला। ठीक है, तो कितना नंबर हुआ मेरा बीच में, ये देखिए एक हो गया ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि 10 है गैप दो डेसिमल नंबर्स के बीच में। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रियल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिससे हम लोग नंबर लाइन में रियल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ। ये है एग्जाम्पल नंबर 11, क्या कहता है, ये कहता है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37777। यानी कि हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को 5.37777 को, जो कि है मेरा 5 डेसिमल प्लेस। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा एग्जाम्पल 11। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन ए नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 5.37777 यानी कि पॉइंट के बाद मेरा 5 प्लेस है, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम लोग लिए हैं यहाँ पे ये नंबर 5 और ये नंबर 6। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया मेरा 5.3, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग 5.3 लिख लिए, क्योंकि देखिए मेरा पहला नंबर क्या था 3 डेसिमल के बाद, इसलिए यहाँ पे देखिए 5 ये पॉइंट आ गया यानी कि डेसिमल आ गया, उसके बाद मेरा पहला पॉइंट हो गया 3, ये हो गया 5.3। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आएंगे यानी कि सेकंड वाले में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5.3 को पहले लिख लिए, 5.3 को लिख लिए तो मेरा नेक्स्ट वाला क्या नंबर आता है 5.4, 5.3 के बाद क्या आएगा 5.4, इसलिए यहाँ पे लिख लिए 5.3 और इस पॉइंट में यानी कि दूसरे एंड पॉइंट में लिख लिए 5.4, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच मेरा क्या होगा, 10 का गैप होना चाहिए, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर लिए और ये पॉइंट हो गया है मेरा 10 वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो गया ये, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरा नंबर 7, यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे 7 में जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे देखिए ये नंबर हो गया 5.3 और ये 7 आ गया, तो ये हो गया मेरा 5.37, ओके। अब आएंगे हम लोग नंबर 3 में, नंबर 3 में आ गए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, ये नंबर 5.37 को ले लिए, तो 5.37 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 5.38, 5.37 के बाद क्या आता है 5.38, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5.37 के बाद इस एंड पॉइंट में हम लोग 5.38 को लिख लिए, और बीच में कितना गैप हुआ, बीच में गैप हुआ 10 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट भी है मेरा 7, यहाँ पे 7 कहाँ है देखिए, ये वाला पॉइंट है मेरा 7 का, इसलिए ये हो गया मेरा 5.37, ये था और उसके बाद और एक 7 आ गया तो बन गया 5.377, हो गया। अब देखिए यहाँ से आके हम लोग अब इसमें जाएंगे, ठीक है, ये देखिए नंबर 4 है, यहाँ पे क्या था 5.377, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 5.377, तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा 5.378, 77 के बाद क्या आता है 78 आता है, इसलिए ये हो गया 5.378। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है फिर से 7, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 का गैप होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो 7 कहाँ है मेरा, ये वाला पॉइंट है मेरा 7 का, तो ये मेरा 7 का पॉइंट हो गया, इससे क्या हुआ, ये मेरा 5.377 हुआ और 5.377 यहाँ तक हुआ और ये वाला 7 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया 5.3777, यानी कि मेरा डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आ गया। अब हमको जो पांचवा डिजिट है ये 7 उसको भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फिर यहाँ पे नंबर 5 लिखे हैं, यहाँ से मेरा कौन सा नंबर आएगा 5.3777 आएगा ना, देखिए 5.3777 को हम स्टार्टिंग पॉइंट में लिख लिए, उसके बाद हम लोग एंड पॉइंट में क्या लिखे 5.3778, यानी कि 3777 के बाद कौन सा नंबर आता है 3778 आता है, ठीक है, इसलिए इस स्टार्टिंग पॉइंट में लिख लिए 5.3777 जो कि यहां से मिला था हमको, और एंड पॉइंट में लिख लिए 5.3778, बीच में हम लोग 10 का गैप कर लिए, ये हो गया मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये वाला पॉइंट हो गया 10, तो इसलिए मेरा 7 कहाँ पे है, ये वाला है मेरा 7 का पॉइंट, तो 7 का पॉइंट ये वाला है, तो क्या हुआ, ये हो गया ना मेरा 5.377 यहाँ से और ये वाला 7 मेरा आ गया ये, तो डेसिमल के बाद मेरा 5 नंबर आ गया यानी कि 5 डेसिमल प्लेसेस मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे दिए हुए इस डेसिमल को, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।